देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, उनकी सरकार ने शिक्षा का बजट 3 गुना बढ़ा दिया। पिछले 70 साल में 17,000 क्लासरूम बने थे, लेकिन उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में 20,000 नए क्लासरूम बनवाए। इसके अलावा सरकार ने फीस नहीं बढ़ने दी। हमने शिक्षा का बजट 3 गुना कर दिया। जब हमारी सरकार बनी थी 6600 करोड़ का बजट था, आज 15,600 करोड़ का बजट है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर डबल से ज्यादा कर दिया। इलाज में 15 लाख से ज्यादा खर्च का इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। इसके अलावा सारे टेस्ट और सर्जरी भी मुफ्त में होती है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने डेंगू के खिलाफ कामयाब अभियान चलाया। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी। अगर कोई 10 लाख 15 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा किसी बीमारी में, तो सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है। हमने स्वास्थ्य का बजट 3500 करोड़ रुपए से बढ़ा के 7500 करोड़ रुपए कर दिया, डबल से भी ज्यादा कर दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में उनकी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। पूरे देश में दिल्ली ही ऐसा शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। 5 साल पहले साल 2014 में उनकी सरकार बनी थी तो 7 से 8 घंटे तक बिजली कटौती आम थी, लेकिन अभी लाखों लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। करीब 32 लाख लोगों का बिजली का बिल शून्य आता है। दिल्ली में बिजली की कमी थी, बाहर से बिजली का इंतजाम करा, और आज मुझे बेहद खुशी है दिल्ली की अपनी जनता को ये कहते हुए कि आपका अकेला शहर है पूरे देश के अंदर जहां 24 घंटे बिजली अब हर घर को मिल रही है, और आपका अकेला शहर है पूरे देश के अंदर जहां 32 लाख उपभोक्ताओं के बिजली का बिल जीरो आ रहा है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 70 साल में पुरानी सरकारें दिल्ली वालों को पानी तक नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहां 2000 लीटर पानी फ्री मिलता है। 5 साल पहले करीब 58% घरों में ही नलों से पानी आता था, अब करीब 98% लोगों के घरों में पीने का पानी नलों से आता है। दिल्ली के करीब 14 लाख परिवारों के यहाँ पानी का बिल शून्य आता है। जब हमारी सरकार बनी 58% कॉलोनियों में पानी आता था, आज 93% कॉलोनियों के अंदर टूटी से पानी पहुंच गया, पाइपलाइन डाल दी। 7% दिल्ली बची है, वहां भी पाइपलाइन डल रही है। अभी 1 से 1.5 साल के अंदर वहां भी 100% दिल्ली को पीने का पानी मिल जाएगा। 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 1797 कच्ची कॉलोनियों में से 1281 कॉलोनियों में सड़कें और नालियां बनवाई। इन कच्ची कॉलोनियों में 1130 कॉलोनियों में सीवर की पाइपलाइन बिछाई गई। केंद्र सरकार ने अभी सीएजी का हमारा 5 साल का ऑडिट कराया, उनको लगा कि अब इनका कुछ ना कुछ निकालेंगे हम घोटाला। 5 साल का ऑडिट हुआ और 5 साल के ऑडिट के बाद सीएजी ने कहा कि दिल्ली देश की अकेली सरकार है जो मुनाफे में चल रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि देश भर में दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो मुनाफे में चल रही है। 1797 कॉलोनियां हैं, उनमें से 1281 कॉलोनियों में हमने सड़कें और नालियां बनवा दी। 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया था। 1797 में से 5 साल में 1281 कॉलोनियों के अंदर हमने सड़कें और नालियां बनवा दी, और 1130 कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन बिछा दी, और 1554 कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछा दी।
ये वही रिपोर्ट कार्ड है जिसे आपका रिपोर्ट कार्ड नाम दिया है। इसमें सरकार ने जो जो बड़े काम किए हैं उन सब की इसके अंदर झलक है, लेकिन तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, तमाम चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जानकारी यहाँ पर लिखी है। जैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी, कच्ची कॉलोनियों पर केजरीवाल सरकार ने क्या क्या काम किया, 8,000 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए, पाइपलाइन डाली गई। डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन अब घर बैठे दिल्ली वाले ये सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने फरिश्ता योजना के तहत सड़क हादसों में जख्मी होने वाले करीब 3,000 लोगों की जान बचाई है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले हफ्ते से वाईफाई योजना भी चालू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया टुडे ग्रुप ने माना कि दिल्ली सरकार देश भर में नंबर 1 सरकार है।